सर को इंस्पिरेशनल स्पीकर कहते हैं क्योंकि ये इंस्पायर बहुत अच्छा करते हैं। एंड ऑफ कोर्स आईएएस बनने के लिए इंस्पिरेशन होना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सर के 1 मिलियन यूट्यूबर फॉलोअर्स हैं और ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, सोशल वर्कर हैं। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू सर टू प्लीज कम ओवर द स्टेज एंड गिव सम एड्रेस आवर गॉड ऑडियंस एंड गिव सम स्पीच रिगार्डिंग मोटिवेशन। यू आर गोइंग टू बी मोटिवेटेड राइट? तो जो भी मोटिवेट होना चाहते हैं बस जोरदार तालियां तालियों में अपनी लाइन से। थैंक यू सो मच द इंडियन यूथ अचीवमेंट अवार्ड जो ये सम्मान देने के लिए, और मैं सिर्फ एक चेहरा हूँ, एक फेस हूँ। किसी भी आदमी की सक्सेस के पीछे बहुत लोगों का हाथ होता है, एक विजन होता है। तो मेरी भी सक्सेस के पीछे बहुत लोगों का हाथ है, चाहे मेरी फैमिली हो, मेरी टीम हो जो मेरे लिए रात दिन काम करती है, और जो मैं सोचता हूँ उसको वो जमीन मिलाने का काम करती है। तो आप सभी के बीच में आके बहुत खुशी एक महसूस हो रही है कि हम सभी एक पर्पस के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ जितने भी लोग आए हैं वो सभी अपने अपने सेगमेंट्स में बहुत ही बेहतरीन हैं, और कई लोगों से मुझे मिलने का भी मौका मिला जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना अच्छा काम किया, और आज मुझे यहाँ पर जो मैं हूँ वो उन्हीं की वजह से। रही बात मोटिवेशन की, तो आज हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ हमारे पास लोगों से बात करने के लिए सोशल मीडिया तो है, थिंकिंग सब कुछ है, लेकिन आज हम एक दूसरे के साथ एक ह्यूमन नेचर में बातचीत नहीं कर पा रहे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों की बातों को समझें, उनको इनकरेज करें। और अगर हम प्राचीन समय से चलते हैं यानी कि हम अपने रामायण में, तो एक बड़ी छोटी सी कहानी है मोटिवेशन क्या है इंडियन सिनेरियो में। तो एक हनुमान को लंका पहुंचना था, बीच में समुद्र था, तो बेचारे परेशान थे कि मैं कितनी दूर इतना जो है वो कैसे उड़ के जा सकता हूँ। तो जामुन तो आते हैं एनसीएट जो हमारे पास लिटरेचर अवेलेबल है, और वो उनको बताते हैं कि यू ऑल कैपेबिलिटी जो तुम्हारे अंदर यहाँ पर पहले से मौजूद है, बस तुम्हें उसको रियलाइज करना है। और जैसे उन्होंने रियलाइज किया, उन्होंने उस असंभव काम को करके दिखा दिया। तो एक्चुअली में मोटिवेशन इज ऑल अबाउट रियलाइजेशन योर ओन पावर, जो आप उसको महसूस करते हैं यही आपकी मोटिवेशन होती है। और मैं और मेरी पूरी टीम लगभग यही कोशिश कर रहे हैं, हम कुछ नया नहीं दे रहे, बस हम इतना कोशिश कर रहे हैं कि जो आपके अंदर है, जो हमारे स्टूडेंट्स के अंदर है, वो उनको रियलाइज हो और वो बेहतरीन काम कर सके। रही बात मेरा जो अपना काम करने का एक एरिया है जिसे हम लोग सिविल सर्विसेज कहते हैं, जिसको सरदार पटेल ने भी कहा था कि ये स्टील पिलर ऑफ इंडिया है। जो सिविल ब्यूरोक्रेट्स होते हैं अगर वो अपना काम, अपना जो ड्यूटीज है वो अगर परफॉर्म करें, तो शायद जो हम नया भारत कहते हैं न्यू इंडिया, उसकी नींव को हम बहुत अच्छे तरीके से रख सकते हैं, उसको बता सकते हैं। सिविल सर्विसेज वही है अगर आज वो वैल्यूज के साथ है। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे सिविल सर्वेंट हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, आज स्टूडेंट भी हैं, कुछ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, जो अपनी जगहों पे इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, लाखों लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव चेंज लेकर आ रहे हैं। और जब मैं चेंज की बात करता हूँ, तो चेंज एक चेन होती है, ये किसी एक इंसान से शुरू नहीं होती है। जैसे मैं इसी मंच की बात करूँ, यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों की बात करूँ, तो ये सभी जो अवार्ड है ये उस चेंज के लिए दिया जा रहा है, ये चेन है। ये अगले साल फिर कुछ ऐसे लोगों को मिलेगा जो कुछ अपने एरिया में बेहतरीन काम कर रहे होंगे। तो चेन जो होती है वो हमेशा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूवमेंट करती रहती है। तो जब भी हम यहां से कहीं जाएं, तो हम इस चेन को कंटिन्यू करके रखें। मैं चाहूंगा कि अगली बार इस मंच पर ऐसे और बेहतरीन लोग आए जो इस एक साल में, जो आने वाला साल है, उसमें और बेहतरीन काम कर सकें, तब जाकर हम अपनी कंट्री को बना पाएंगे। कंट्री कभी भी पॉलिटिक्स से नहीं बनती है, सरकारों से नहीं बनती, कंट्री हमेशा अपने लोगों से बनती है। और जब लोग अपने उस पर्पस के साथ काम कर रहे होंगे, तो निश्चित रूप से हम एक ऐसे भारत की बात कर सकेंगे जिसको समय से ही विश्व गुरु कहा जाता था, नॉलेज में, पावर में, अपने साइंस में। तो बस मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा और सभी आयोजकों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे इस मंच पर बुलाया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।